नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का कृष्ण कुंजी में। पाप कहाँ जाता है, इस संबंध में एक पौराणिक कथा आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग गंगा में पाप धोने जाते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि सारे पाप गंगा में समा गए और गंगा भी पापी हो गई। और फिर उन्होंने अब यह जानने के लिए तपस्या की कि पाप कहाँ जाता है। तपस्या करने के फलस्वरूप देवता प्रकट हुए। ऋषि ने पूछा कि भगवान, जो पाप गंगा में धोया जाता है वह पाप कहाँ जाता है। भगवान ने कहा कि चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों लोग गंगा के पास गए और कहा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोते हैं, तो इसका मतलब आप भी पापी हुई। गंगा ने कहा, मैं क्यों पापी हुई, मैं तो सारे पापों को ले जाकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। अब वे लोग समुद्र के पास गए और कहा, हे सागर, गंगा तो अपने पाप आपको अर्पित कर देती है, तो इसका मतलब आप भी पापी हुए। समुद्र ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को लेकर भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब वे लोग बादल के पास गए और कहा कि हे बादल, समुद्र तो अपने पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो इसका मतलब आप पापी हुए। बादलों ने कहा, मैं क्यों पापी हुआ, मैं तो सारे पापों को वापस पानी बरसाकर धरती पर भेज देता हूँ, जिससे अन्न उपजता है और जिसको मानव खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति से उगाया जाता है और जिस वृत्ति से प्राप्त किया जाता है, जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, उसी अनुसार मानव की मानसिकता बनती है। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। अन्न को जिस वृत्ति अर्थात जिस कमाई से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। इसलिए सदैव भोजन शांत अवस्था में पूर्ण रुचि के साथ करना चाहिए और कम से कम अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी श्रम का होना चाहिए। मित्रों, आपको आज की यह जानकारी कैसी लगी, आप अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। आप सबको राधे राधे।